आज लखनऊ के आंचलिक विज्ञान केंद्र। ये अकेला दोस्त, मेरा दोस्त, ये देखो टॉम एंड जेरी। लोगों का पोपट बनाने में मजा आती है। आज फर्स्ट टाइम मैं अपने व्लॉग में अपनी वाइफ को साथ में लेके आने वाला हूँ। उठा दो, आओ तो, आओ तो। ये पहचान में आ रहे हैं? सारे जानती हूँ। ये आओ, तुम्हारे को दोस्तों से मिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, यही तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बंटी। आज लखनऊ के आंचलिक विज्ञान केंद्र यानी कि साइंस सिटी, यहाँ पे साइंस के कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं, देखने लायक हैं। यह हमारा टिकट काउंटर है। यहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगा। ये टिकट्स के रेट्स हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अंदर। ये आंचलिक विज्ञान केंद्र का गेट है, मेन गेट। यहाँ से हम लोग होते हुए अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे टिकट चेक होता है। फिलहाल आज कोई चेक करने वाला नहीं है। एंट्री कर दीजिए सर। तो यहाँ पे हमारे गेट पास है जो पार्किंग का, और जितने मेंबर्स हमारे आए हुए हैं साथ में उनका टिकट चेक हो रहा है। और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, अपनी डिटेल्स फिलअप करें, किस टाइम पे आए, किस टाइम पे गए, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। सो दोस्तों, ये यहाँ का व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है हम कहीं पहाड़ों में इस समय, क्योंकि हर तरफ हरियाली। अब जैसे कि शुरुआत में एंट्री में घुसते ही ये बहुत लंबा सा आपको पाइप नज़र आ रहा होगा। अब कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यहाँ की चीज़ें दिखा पाऊँ। ये है कलाबाज गेंद, एक्रोबैटिक बॉल। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। और इसमें फ़िलहाल मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, तो इसमें बॉल यहाँ से डालनी होती है, फिर ये नीचे जाता है। ग्रेविटी के हिसाब से क्या रोल होता है, कुछ और भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स यहाँ दे रखे हैं एक्रोबैट के। आज यहाँ पर शार नहीं चल रहा है, वरना जब ज़्यादा गर्म होती है तो छोटी छोटी फुहारें यहाँ से निकलती रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है अंदर यहाँ पे घूम के। आज ये बंद है और कुछ दे रखा है टग ऑफ वार, रस्सी खींचे। अब मैं तो अकेला हूँ, क्या खींचूँगा अकेले। खाली मैं निकल रहा था यहाँ से, हमने कहा लो आंचलिक विज्ञान केंद्र का, तो साइंस सिटी ऑफ लखनऊ इसको शूट करता हूँ। अब हम सोच रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट साइड से होते हुए जाएंगे, और फिर उधर का जो राइट साइड का एरिया है वो हम बाद में उधर से जब आएंगे तब दिखाएंगे। हर मशीन्स पे रुकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ज़्यादा लंबा वीडियो फिर बोरिंग लगने लगता है। लेकिन आप कोशिश करके ये रखिएगा कि आप बोर ना होइए और आंचलिक विज्ञान केंद्र के देखिए, और वीडियो को पूरा मन लगा के देखिए, क्योंकि टाइम निकाल के आता हूँ, बनाता हूँ तो कुछ तो हो। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरा भांजा है, हाय बोलो। हेलो। ये मेरा बड़ा बेटा, खराब हो चुका है। ये क्या हो रहा है? ऐसे कुछ भी हो रहा है। ये लेके सब जगह ये ले दे, ये ले लिए आप ही जो हमको दिया था। ये मेरा छोटा बेटा अर्णव, क्या देख रहे? अभी तक मैं अकेले था, मुझे लगा ये लोग अंदर जा चुके हैं, लेकिन अभी हम मिल गए हैं तो हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी हैं कि कुछ ये हेल्प कर दें। हम तो सारे उठा लें। क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, सारे कलर मिक्स हो जाते हैं ना लाइट।
करो व्हाइट में, व्हाइट सारे कलर अभी मिक्स हो जाएंगे, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हां व्हाइट हो रहा है, व्हाइट ना तो ऐसा होना चाहिए लेकिन यहां पे हो नहीं रहा, गंदा हो गया। बहुत पुरानी हस्तियां हैं जैसे होमी जहांगीर भाभा जी हैं, बच्चे साइंस को समझने ज़्यादा उसको खिलवाड़ के रूप में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अरे अब ये इसको घुमाएगा तो इसकी चेयर अपने आप घूमेगी, उसको अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम लोग दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी हमको धक्का देती है। इसमें क्या है, खरगोश हुआ करते थे, खरगोश कहीं चले गए, ये क्या है भाई, होगा क्या, ये बच्ची इसको समझने के बजाय अपनी घड़ी में जो रुकी पड़ी है। पहले से काफी यहाँ का अच्छा बन गया है, पहले यहाँ पे घास फूस हुआ करती थी। ये कौन सा है, पेरिस्कोप से क्या होता है, दूसरी हाइट का देख सकते हैं बिना वहाँ पे जाए, मतलब एक मिरर ऐसे लगा होगा और एक मिरर ऐसे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, देखो जरा क्या दिख रहा है, ऊपर का, ऊपर से भी। अच्छा इतनी ऊपर है पेरिस्कोप। लेकिन यहाँ पे पेड़ बच्चों के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये, मस्त मजे ले रहे हैं। आइए अब आपको अपने दोस्त से मिलाते हैं, बहुत बढ़िया दोस्त जी, अकेला दोस्त मेरा, दोस्त नकली है तो साथ में है, असली होता तो मैं दूर होता। बेचारा गा रहा है, खड़ा हूँ आज भी वहीं, है ना, लगी तेरी आस है। ये शेर है भी, वारे लोग चीज़ें बहुत हैं यहाँ पे बाहर, बहुत ज़्यादा है तो बड़ा मुश्किल है दिखा पाना एक एक चीज़ें, साधारण कैमरा। अब इस बार इस सोच रहा हूँ अगली बार जब ना व्लॉग बनाऊँ इसी कैमरे से बनाऊँ, लेकिन इसको रखूँगा कहाँ, और घर पे अलग लेके जाएंगे तो कहेंगे, वहाँ पर भी यही पूछेंगे इसको रखूँ कहाँ है, कहाँ रखेंगे। पुराना कैमरा, जबर कैमरा। भैया हमसे ना रखा जाएगा ये, अपने यहाँ घरों में जो कैक्टस हैं वो तो फिलहाल तो कैक्टस तो लगा ही रही है घर में, लेकिन यहाँ बहुत प्रकार के कैक्टस और एलोवेरा बहुत सारे लगे हैं। अब देखिए खेल का खेल और पानी बाहर, हैंडपंप पे बच्चे, ये हैंडपंप है, हैंडपंप नहीं कहेंगे अब, अब बच्चे सीसो हैंडपंप है, बच्चे खेल रहे हैं और साथ में ही उसके पानी निकल रहा है, चलाइए चलाइए। ये बात हम सोच रहे हैं तुम लोगों को कहीं खेत वेत में गांव में ले जाए, वहां पे इस तरह के लगा दे, दिन भर अपना खेलो भी और खेतों को पानी मिल जाए, लेकिन इस समय तो भैया खेतों में पानी ज़रूरत नहीं है, जुलाई का महीना है, हर तरफ तो बाढ़ ही आई हुई है। ये देखो टॉम एंड जेरी, एक 50 ग्राम का और एक 2 किलो का, कैसे उठेगा ये। उधर 2 लोग डालो, यहाँ पे एक घर बना हुआ इल्यूजन है, दूर से देखने में लग रहा है घर प्रॉपर वे में बना हुआ है, लेकिन खाली सिर्फ थोड़ा सा इसका जो तरीका है बनाने का वो अलग है बिल्कुल।
यहाँ पे कुछ बैक में देखिए खाली सिंगल दीवार है ये, देखा चीज़ें बहुत हैं। यही है कि आप खुद आइए और यहाँ एंजॉय करिए, बच्चों को लेके आइए, काफ़ी सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बच्चों को देखने के लिए भी बहुत चीज़ें, समझने के लिए। तो जब आप आएंगे यहाँ पे तो ज़रूर घूम जाइए। सुंदर तो बहुत है और काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, बरसात का सीज़न चल रहा है, करीब अभी 2-2.5 घंटे पहले ही पानी गिरा था यहाँ पे। अब ये कोई एक मूर्ति है, इसमें क्या ख़ास बात है, कौन बोलता है, कौन बोलता है यानी कि मतलब कि एक हमारी स्टैचू यहाँ पे दे रखी है और एक स्टैचू हमारी दे रखी है वहाँ, तो अगर कोई बंदा यहाँ से बोलेगा तो उसको वहाँ पे सुनाई देगा, बस उसको सुनाई देगा यहाँ पे। अब इसको देखिएगा इसमें क्या है, इसमें पिंजरा अलग बना हुआ है यानी केज, और तोता अलग है। रोटेशन स्पीड में ऐसे लगेगा कि दोनों अंदर, तोता बंद हो गया। ये यहाँ पे कुछ अंदर जाते ही दो बिल्डिंगें पड़ेंगी, दोनों अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं, तो अभी हम लोग पहले एक सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे जो नीचे फ्लोर जो दे रखा है वो है कैफेटेरिया। अच्छा, नीचे कैफेटेरिया है और यानी कि कैंटीन, और ऊपर है साइंस के कुछ, क्या साइंस की कुछ चीज़ें आप बताएंगे ब्लॉग में, आप बताएंगे। तो गर्म बहुत हो रही है इस समय, अब ये हम लोग आ गए हैं अंदर इनोवेशन हब। ये क्या है अनव, सब अलग अलग एक एक चीज़ें हैं यहाँ पे। कृपया बटन दबाएं और देखें कि तीन पंखों वाला क्या है पंखा दिशा में घूम रहा है। हवा तो आ नहीं रही, हवा कहाँ से आएगी इसमें। ये भैया स्टार्ट करके इसको करना होता है, ऐसे बिना टच किए इसको लेके जाना होता है, ऐसे काउंटर फिर बढ़ने लगते हैं ना, इसको बिल्कुल दूर से लेके जाना होता है। सब अलग अलग हैं, बहुत सारे आइटम हैं, इतना लंबा ब्लॉग शूट नहीं करना चाहता हूँ, आप खुद आके विज़िट करिए और यहाँ को देखिए समझिए बिना की के। यानी कि बिना टच किए सेंसर के उससे ये बजता है, क्या है मेरे में करंट कितना है, आपके में कितना करंट है। 75 रंस का कितना होता था, 60 आप किसमें रख ले, दोनों पे करंट मारेगा नहीं मारेगा, 440 वोल्ट का लोगों का पोपट बनाने में मजा आती है। हो गया मेरा करंट 80 हो गया, गर्म बहुत है, विंड कर्टन के नीचे आके खड़े हुए हैं, थोड़ा सा हवा हवा खा लिया जाए विंड कर्टन में क्योंकि अंदर एसी नहीं चल रहा है आज। जी अरे ऊपर तो निकलती है, अरे तो छोटा बच्चा, अब कैसे आप गए थे, हम भी देखे जरा, सॉरी बाहर आइए। अच्छा यहाँ से जाने के बाद आप निकलते हैं यहाँ से, ओहो इल्यूजन है, ये भी इल्यूजन है ना,
ये मिरर का एक दूसरे का रिफ्लेक्शन सिर्फ तीन है और ये पूरा, ओ माय गॉड, यानी कि हम इधर से जब जा रहे हैं तो ये अलग दिखाई पड़ेगा और मिरर का है यहाँ पे कुछ अलग और यहाँ पे थ्री पार्ट्स में है ये। इनोवेशन हब सबसे तो फनी ये है मिरर, मैं कैसा लग रहा हूँ, वाह पूरी बाबा मेरी हट जा मुझे, वही वही अरे रे ओ माय गॉड, नीचे खड़े हुई है ये रिफ्लेक्शन इमेज का, देखिए कुआं कितना डीप है, लेकिन ऐसा है नहीं, आपको लग रहा बहुत डीप है क्योंकि फ्लोर तो यहाँ पे है और यहाँ पे है डीप। अब हम लोग जा रहे हैं द्रव विज्ञान, हाँ यहाँ थोड़ा सा, वाह चलाइए, अच्छा एयर प्रेशर इसमें बताया गया है। हाँ बेटा सब हम लोग इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, बर्ड और प्लेन कैसे फ्लाई करते हैं एयर प्रेशर की वजह से। ये दबाइए इधर प्लेन वाला, ये चल रहा है, अब देखिए एयर की वजह से लिफ्ट कर जाएगा ये प्लेन, कैसे उड़ता है ये बताया गया है, हेलीकॉप्टर का फैन कैसे हेलीकॉप्टर को लिफ्ट कर देता है ऊपर इसी रोटेशन की वजह से। वही वही ऑन एक्ट, नेक्स्ट ये चलने के साथ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से बॉल उसी के साथ ही चल रही ना। हाँ दोस्तों अपना वेट चेक करता हूँ बहुत दिनों बाद, ये मशीन तो झूठ बोल रही है, इतने का कहा हूँ, दूसरे वाले पे चेक करते हैं कि क्या है, इसमें तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा कि कहाँ पर वो लिक्विड जा रहा है, पता नहीं ये तो मुझे गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़। मैजिकल टैप इल्यूजन,
पानी की फ्लो की वजह से जो डैम का टरबाइन जो घूमते हैं वो कैसे घूमते हैं उसको दिखाया गया है। अब दोस्तों चलते हैं, जल हमारा जीवन है। यहाँ पे नदियों के बारे में, पानी के सोर्सेस, ग्लोबल उस पर सब दिखाया गया है, क्योंकि एक चीज़ मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। आप आइए, फिर से बोलूँगा, विज़िट करिए, खुद आइए, बच्चों को लेके आइए और साइंस की अधिक से अधिक जानकारी लीजिए। वाओ। तो दोस्तों, अब इस समय मैं पहाड़ों के ऊपर पहुंच चुका हूं, हिमालय मेरे पीछे, इतना बड़ा पहाड़, मैं पहाड़ों की वादियों में, सुई बहुत ठंडा है, और ऊपर चढ़ूं कैसे। लेकिन मैं आपको आगे दिखाता हूं कि आखिर यहां पे है क्या। जी, यहां पे काफ़ी अंधेरा है, और वाकई ये अंदर यहां पे हाथ डालने के बाद पहाड़ों पे बर्फ़ कैसे जमती है, क्या है, फिर वो मेल्ट होके कैसे नदियाँ बनती है, यहाँ पे पूरा वही दिखाया गया है। हमारी पहाड़ियाँ नदियाँ कैसे बनती हैं, कैसे वो धरातल पे आती हैं, कैसे पहुँचती हैं, यही सब दिखाया गया है। ये प्यूरीफाई करने के लिए, वाटर प्यूरीफाई करने के लिए जो हमारे घरों में पानी आता है, कैसे प्यूरीफाई होता है, तो उसका पूरा दे रखा है कि किस किस सेक्शन में होके आखिर जो साफ पानी उनको घरों तक पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है। क्योंकि तो बच्चों को हर जगह ले जाने से अच्छा है कि यहाँ छोटे छोटे मॉडल्स में उसको प्रैक्टिकली रूप में दिखाया जाए, तो वो काफ़ी नॉलेज उनकी बढ़ाएगा। सबसे अच्छी चीज़ है, इसी बहाने आपकी आउटिंग हो जाएगी, परिवार के साथ बाहर घूमिए, बच्चों का एंटरटेनमेंट, खुद का भी समय निकालिए घूमने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब अभी मान लीजिए समय नहीं निकालते हैं, जिस समय समय होगा तो उस समय जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, आने वाले समय में फिर कभी घुटनों में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तो जितना समय मिले घूम लीजिए। अब देखते हैं मेरा वाटर लेवल और क्या वेट, ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन तो या तो घर वालों ने तो खा ही डाला, ब्रेन बचा ही नहीं होगा मेरे पास। क्या क्या है ब्रेन में? 1 किलो का है दिमाग, 1 किलो 400 ग्राम से, 1 किलो 400 ग्राम, मतलब 1.5 किलो का आसपास है ब्रेन, और 1 लीटर पानी उसके पास, 1 लीटर पानी है ब्रेन में खाली। और क्या क्या है? हार्ट, लंग, लीवर वगैरह सब। बोन देखते हैं, बोन का वेट है 10 किलो। 10 किलो की हड्डियाँ हैं? नहीं, 11 है अप्रोक्स, 11 रख लो। 79 kg के आप, 78 या 70। ओके, एकदम से बढ़ा दे। नहीं, अरे हमारे ख्याल से तो इन लोगों में तो ब्रेन का तो 50-50 ग्राम निकल ही आएगा, तुम लोगों का 100-100 ग्राम निकलेगा, 50-50। मामा से ज्यादा है 100 ग्राम। किसका? मेरा ब्रेन ज्यादा है आपसे। आज फर्स्ट टाइम मैं अपने व्लॉग में अपनी वाइफ को साथ में लेके आने वाला हूँ, है ना, और इनका वेट और यही बोन्स और ये दिमाग कितना है आज हम लोग देखेंगे। ये हमारी बहन है, बहुत काबिल, उससे बड़ी काबिल ये जिनके बारे में आप बता रहे थे, वाइफ। रुको, ये हमारी बहन कर रही है अपना वेट चेक, इनका वेट है 40 किलो, पानी है 24 लीटर पानी है, अभी बढ़ा कर दिमाग तो जीरो है, है 1 किलो है।
हाँ काबिल जन हाँ तुम्हारा काबिल तुम्हारा देखे अब हम लोग चलते हैं फिर ऊपर पदार्थों का अद्भुत संसार वंडर वर्ल्ड ऑफ मार्बल्स 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 की तो मूवी आती है अच्छा याले मार्बल्स ओ माय गॉड पुराने समय के वाव प्राकृतिक पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ यानी कि प्रकृति से जो मिले हुए चीज़ों का यूज़ करके जो बनी है चीज़ें वो हैं और ये है पदार्थों का काल रेखा मतलब किस काल में क्या क्या पदार्थ यूज़ होता था ये वो है और ये गृहिणियों के हथियार ओ माय गॉड यहाँ तुम्हारी काम की चीजें दिखाते हैं यहाँ उठा दो आओ तो उठो ये पहचान में आ रहे हैं सारे जानती हूँ ये हथियार है तुम्हारे ये सारे हथियार मेरे ही हैं है ना जिंदगी भर करने हैं अच्छा चप्पल भी खाते हैं आओ तुम्हारे को दोस्तों से मिलाते हैं पहचाना हाँ याद आए कौन है आप दिख रहे हो हम कहाँ दिख रहे हैं हम तो तुम्हारे साथ बगल में हैं नहीं हमें आप दिख रहे हो नहीं नहीं ये देखो ये तुम्हारे बचपन के दोस्त तो देख सकते हैं मनुष्य यानी कि ये अरे नहीं नहीं ये ये यहाँ से स्टार्ट हुए ये इनके खास जानने वाले इनके बहुत खास जानने वाले इनके बहुत खास जानने वाले जब हम पहली बार इनको देखने गए थे लोग मिले थे वहाँ पे हमको ये भी मेरा हथियार है और ये तो खतरनाक हथियार है भैया चाकू आता है पड़वा किसी को नहीं है बस जाना खड़बड़ खिला देना उसको अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं अब जा रहे हैं किड्स एरिया में यहाँ पे बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए दे रखा हुआ है किड्स का बहुत सुंदर बना हुआ है छोटे छोटे बच्चे ऐसे तो चल ही नहीं रहा है तो हम लोग इसके साथ तो बाहर निकल चुके हैं पहली बिल्डिंग से अब दूसरी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि कैंटीन चलना है नहीं, हमें नहीं पता है कैंटीन चलना है या पैसे आ दे तो हम लोग क्या क्या खाएंगे वहाँ पे खाने लायक चीज़ें अरे खाने लायक चीज़ें होंगी क्या अरे तब भी ऐसे गैस करो छोला भटूरा हो सकता है नहीं खिलाएंगे अरे हो सकता है वहाँ हो सकता है ना लेकिन खिलाएंगे नहीं कार्यालय है यार अबे तुम लोग कहाँ लिए जा रहे हो शुरुआत वाले वीडियो में दिखाया था नीचे कैंटीन है वहीं जा रहे हैं हम लोग बैक साइड जा रहे थे क्या हुआ अच्छा क्या दूसरी बिल्डिंग है अंजलिक विज्ञान नगरी हवा में टंगा हुआ नल बहता हुआ पानी यहाँ पे आपको 3D शो और जो 3D शो का होता है यहाँ पे वो आपको दिखाई जाती है यहाँ पे इसकी एक टाइमिंग होती है टिकट आपको लेना पड़ता है हैं
ऊपर गेम वाला ऊपर चल। वाओ कुदरत का चमत्कार पानी। ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे हम लोगों का न्यूक्लियर फ्यूल रॉड है। बूम। एक एक एटम की अंडर वाटर। वाह 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 वाह। हमको तो लग रहा है कहीं रिसर्च सेंटर में आ गए हो। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हमको ये नहीं लग रहा है कि हम लखनऊ के अंदर, हम तो लग रहा है जैसे कहीं बैंगलोर या कहीं पे ऐसी जगह पे हैं, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है। वाकई हमको लग ही नहीं रहा है कि हम लखनऊ में हैं। हालांकि मैं यहाँ पे बहुत छोटे पर से आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी यहाँ पे बदलाव हमने चेंजेस देखे। जब ये एक ही बिल्डिंग होती थी हम तब से आ रहे हैं। काफ़ी समय बीत गया है और कई नई चीज़ें हो गई हैं, पहले से काफ़ी बदलाव है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए खाली व्यू देखिएगा। वाओ, कूल ना, मस्त है। तभी तो कह रहा हूँ बार बार आपसे कि आइएगा, घूमिएगा जरूर। समुद्र की लहरें। हाँ, अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे जो बना हुआ है बिल्कुल बीच एरिया बना हुआ है। बीच का मतलब लगेगा बिल्कुल हवाएं भी चलेंगी थोड़ी थोड़ी। और बीच एरिया गया कहाँ, अभी तो यहीं गई था। हाँ हाँ, ये रहा, देखेगा। पीछे विजुअल दे रखा हुआ है यहाँ पे, प्रोजेक्टर, उसके साथ पानी भी है, कुछ हवाएं भी चल रही हैं साथ में। वो खाली मैं ही महसूस कर सकता हूँ, वीडियो में आप नहीं कर पाओगे। आपको अगर महसूस करना तो यहाँ पे आना पड़ेगा। तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बीच एरिया है, पानी मेरे पास आया है यहाँ पे, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। इस साइड में यहाँ पे 3D शो चलता है, इसकी टाइमिंग निकल चुकी है। और हालांकि हमको देखा भी नहीं था, इससे पहले हम आके देख चुके थे। मस्त, मेरी भांजी मुझसे कह रही है कि जिधर पे फिशेस हैं वहाँ पे चलते हैं। बहुत सुंदर फिशेस, वाव। मैं थोड़ा थोड़ा करके दोनों तरफ दिखाना चाहूँगा। कितनी छोटी छोटी मछली हैं, कितनी सुंदर, वाव। इन मछलियों के बारे में इसके में दे रखा है कि कहाँ पाई जाती हैं, कैसे क्लाइमेट में रहती हैं, कैसे पानी में सर्वाइव करती हैं, सबको डिटेल्स इनकी दे रखी है। ये देखिए, वाव, सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा सर्दी लग गई थी। ये देखिए, इसको घूमने के लिए मान के चलिए आपको सुबह आ जाना होगा। सुबह से पूरा दिन लगा के शाम हो जाएगी, पूरा दिन तब भी हमारे ख्याल से आप पूरा नहीं देख पाओगे अगर बारीकी से एक एक चीज़ को देखा गया तो।
ऐसे अगर रैंडम आपको देखना है तो आप एक दो घंटे में भी पूरा कर सकते हो। अब हम लोग अंडर वाटर से हो के अब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर है मानव आचरण, बीइंग ह्यूमन, खेल कूद एवं स्वास्थ्य, स्पोर्ट फिटनेस और इम्पोर्टेंट, यही सब चीज़ें हैं। ये हमारे डीएनए की संरचना। सब अलग अलग दे रखा हुआ है, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए दे रखा है। चढ़िए, बच्चे रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। धीमे, क्या हुआ बन? अभी दूसरी बिल्डिंग से हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, जुरासिक वर्ल्ड में। मामा फोन लाई जल्दी। मामा है यहाँ पे। पुराने डायनासोर तो असली वाले नहीं है, लेकिन हाँ उनको क्रिएट करके बनाए गए हैं डमी उनकी। काफ़ी अच्छे उसमें गार्डन में यहाँ पे लगाए गए हैं। तो और यहाँ के अब शाम हो रही है, जो गार्ड हैं भैया वो कह रहे हैं जल्दी आइएगा, अब बंद करने का समय आ रहा है। 5:30 बजे की टाइमिंग है। तो रैंडम ही हम बाहर से आपको दिखा देते हैं, यहाँ की विजिट हम करके आपको बाद में दिखाएंगे किसी दिन। और लेकिन यहीं से ही आपका शूट हो जाएगा। ये सारे डायनासोर जो हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा थक भी गया हूँ, अब नीचे उतरने की ज़्यादा मन नहीं है, टाइम भी कम है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम अपने व्लॉग को समाप्त करते हैं। अब हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि बहुत चलना हो गया, थक काफ़ी गया हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिएगा।